Hello student, my name is Meenie Sethi. Today I'm going to discuss about business cycle. Business cycles क्या होता है जो हमारी इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन आते हैं, जो हमारी इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आते हैं. ओके, इसकी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होती है, डिफरेंट डिफरेंट इसके पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करूंगी. पहले मैं आपको क्या करती हूँ, इसका एक डायग्राम बना के बता देती हूँ. ओके, हमारी इकोनॉमी में क्या होते हैं जो अप्स एंड डाउन होते हैं. ओके, तो ये वाला पॉइंट आएगा आपका एक्सपेंशन, हर एक के बारे में मैं डिस्कस करूंगी. और यहाँ पे आपका आ जाएगा पीक, जिसे बूम भी बोला जाता है. और यहाँ पे आपका आ जाएगा रिसेशन, और इस पॉइंट पे आ जाएगा आपका डिप्रेशन, और यहाँ पे आपका आ जाएगा टॉप, और इस पॉइंट पे आ जाएगी आपकी रिकवरी. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेंशन से. ओके, एक्सपेंशन से आप स्टार्ट करते हैं. ये इकोनॉमी की बहुत अच्छी स्टेट मानी जाती है. इसमें क्या है, इनकम बढ़ती है, राइज इन इनकम, डिमांड, वेजेस, सप्लाई, इन्वेस्टमेंट, इसमें सब कुछ ही हाई होते हैं. ओके, इसमें आप लोगों की इनकम ज्यादा होती है, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा, पैसे का क्या करोगे? मान लो आपके पास पैसे, पैसे का क्या करोगे? आप डिमांड क्रिएट करोगे. ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेती हूँ, एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होते हैं. ठीक है, इसमें आपके पास पैसे है तो आप क्या करोगे, डिमांड करोगे, उससे पैसे से कुछ खरीदना चाहोगे. एक जो बिजनेसमैन है उसके पास पैसे से अगर कुछ खरीद रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, जिससे सप्लाई बढ़ेगी, फिर वो लोगों को हायर करेगा, उसे काम करने की लेबर बहुत ज्यादा चाहिए, जिससे वेज रेट बढ़ेगा. वेज रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जिससे लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा. एक्सपेंशन में क्या, सब कुछ हायर है, इनकम, लोगों के पास पैसा है, जिससे लोग डिमांड क्रिएट करेंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो काम करने के लिए हमें लेबर चाहिए, उनकी वेज रेट भी बढ़ेगी, उनकी वेज रेट बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा. सब कुछ हाई होता है इसमें, एक्सपेंशन में. ओके, उसके बाद आपका आ जाता है पीक पॉइंट. पीक क्या होता है, इसमें आपका हम आप सैचुरेशन, ग्रोथ के सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गए हैं. हम कहां पहुंच गए, सैचुरेशन पॉइंट पर बन गया. इसे क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्रोथ, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्रोथ या मैक्सिमम पॉइंट ऑफ ग्रोथ. ठीक है, इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती. इस पीक पॉइंट पर जितनी ग्रोथ हुई, ये ग्रोथ का क्या है, मैक्सिमम लेवल है, ये ग्रोथ का हाईएस्ट पॉइंट है, इस ग्रोथ का सैचुरेशन पॉइंट मिलता है. इसमें क्या, प्राइस बहुत ज्यादा हाई है. ठीक है, इसमें हाईएस्ट प्राइस, ठीक है, ये ग्रोथ का क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है, ये ग्रोथ की मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती, उसे बोलते हैं पीक पॉइंट या बूम पॉइंट. ठीक है, अब पीक के बाद रिसेशन कैसे आया, पीक के बाद रिसेशन कैसे आया, इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि पीक पॉइंट पे प्राइस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा प्राइस में क्या होगा, कहीं ना कहीं डिमांड कम होगी. अब वो डिमांड जो कम हुई है, जो हमारा प्रोड्यूसर है, वो इतना एंथोसिज्म से प्रोडक्शन कर रहा था, इतने ज्यादा एंथोसिज्म से प्रोडक्शन कर रहा था, लगा हुआ था प्रोडक्शन करने में, उसने नोटिस ही नहीं करा कि डिमांड कम हो गई. रिसेशन का कारण क्या है, प्रोड्यूसर ने स्टार्टिंग में नोटिस ही नहीं किया कि डिमांड कम हो गई है. ध्यान से सुनना, प्रोड्यूसर ने नोटिस ही नहीं किया कि डिमांड कम हो गया, वो प्रोडक्शन करता गया करता गया करता गया. इसका रिजल्ट क्या हुआ, सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, क्योंकि प्रोड्यूसर ने नोटिस नहीं किया डिमांड कम होगी, वो प्रोडक्शन करता रहा करता रहा करता रहा, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, डिमांड कम थी उसके कंपेरेटिव सप्लाई ज्यादा, जिससे प्राइस कम हो गए, प्राइस कम हो गए, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, उसने इन्वेस्टमेंट कम कर दिया, इन्वेस्टमेंट कम हो गया, उसने एम्प्लॉयमेंट लोगों पर लगाना कम कर दिया, तो सब कुछ क्या हो गया, डाउन में चला गया. स्टिल या रिसेशन की बात करें, स्टिल आप पॉजिटिव पे है, अभी नेगेटिव पे नहीं आए. आपने ग्राफ की, हमने हमको सबको पता है कि जो ये वाला लेवल है वो किसका है, लगा दिया. ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, हमको ये सारा क्या नेगेटिव है. ठीक है, मैंने नीचे लाइन लगा दी थी, ये नेगेटिव है. ठीक है, तो अब हम किस पे आ गए, अभी भी हम एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, प्राइस कम हुए है, इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन अभी भी क्या है, हम पॉजिटिव पॉइंट पे ही है रिसेशन में. ये एक तरह की अलार्मिंग, एक वार्निंग सिचुएशन होती है, इसमें सुधर जाओ नहीं तो हमारी इकोनॉमी क्या चल जाएगी, डिप्रेशन में चल जाएगी, हम और डाउन चले जाएंगे. ओके, ये एक तरह की वार्मिंग या अलार्मिंग सिचुएशन भी होती है, लेकिन अभी भी हम पॉजिटिविटी में, हम डाउन में नहीं गए हैं. इसमें क्या हो गया, सप्लाई ज्यादा है, प्राइस कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया. ठीक है, उसके बाद हम आ गए डिप्रेशन में. डिप्रेशन में क्या है, बहुत ज्यादा लेवल तक क्या, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया,
हायर लेवल तक इम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों ने डिमांड कम कर दी है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है तो पैसे कहाँ से आएंगे, उन्होंने डिमांड कम कर दी, जिससे इन्वेस्टमेंट वो बहुत ज्यादा लेवल तक कम हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, डिप्रेशन में आप बहुत ही डाउन में चले जाते हो, आपकी ग्रोथ क्या नेगेटिव में जा रही है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने डिप्रेशन को एक इम्प्रूव कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आप इस सिचुएशन में आ जाओ, टॉप बोलते हैं। इसमें आपकी ग्रोथ किसमें क्या नेगेटिव में चल गई, ग्रोथ रीच एट नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, आपकी ग्रोथ क्या नेगेटिव में, आपकी इकोनॉमी बहुत डाउन में जा रही है। ठीक है, अब इस टाइम पीरियड पे क्या है, प्राइवेट सेक्टर वाले इनिशिएट नहीं करेंगे। प्राइवेट सेक्टर वाले क्यों करेंगे, प्राइवेट सेक्टर का मोटिव तो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। उन्हें अगर मार्केट में प्रॉफिट आता हो उन्हें देखेगा तो वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। इस पॉइंट पे ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट होगा जो करेगी हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट रिसेशन के टाइम पे भी कर सकती है, डिप्रेशन के टाइम पे भी कर सकती है, टॉक के टाइम पे भी कर सकती है, लेकिन इनिशिएट करेगी आपकी गवर्नमेंट इकोनॉमी को सुधारने के लिए। गवर्नमेंट क्या करेगी, इनिशिएट करेगी, इसे ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर वाले इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे आपकी गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया, गवर्नमेंट ने जैसे इन्वेस्टमेंट किया जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, लोगों की इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी तो उन्होंने डिमांड बढ़ा दी। ठीक है, अब बढ़ी हुई इनकम को देखे, बढ़ी हुई डिमांड को देखे, प्राइवेट सेक्टर वालों को प्रॉफिट दिखेगा, प्राइवेट सेक्टर वालों को दिखेगा कि अब मार्केट में उतर जाते हैं। ठीक है, उसे बोलेंगे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। अब प्राइवेट सेक्टर वालों को लगेगा ये अच्छा टाइम है मार्केट में उतरने का, फिर प्राइवेट सेक्टर वाले भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे स्टार्ट होगी रिकवरी। ठीक है, अब हम इस सिचुएशन से क्या है, ऊपर उठ रहे हैं, अब फिर से इनकम बढ़ेगी। ठीक है, फिर से इनकम बढ़ेगी, फिर से डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, फिर से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फिर से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, अब सब कुछ क्या है, इसमें बढ़ता हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है बिजनेस साइकिल के, आई थिंक आपको समझ में आएंगे। थैंक यू।